गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स फॉर रेफ्रिजरेटर, कि रेफ्रिजरेटर में हम किस तरीके से एनर्जी को सेव करके हम जो है बिजली का बिल जो है कम कर सकते हैं। अपने घर का एकमात्र उपकरण जो 24x7x365 काम करता है वह है फ्रिज। स्वाभाविक रूप से यह बिजली की खपत करता है। तो पहला इसका पॉइंट है, अपने तापमान सेटिंग का ध्यान रखें। रेफ्रिजरेटर में तापमान सेटिंग बहुत मायने रखती है। फ्रिज का तापमान 2.5 से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और फ्रीजर कक्ष को -15 से 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड की आदर्श सीमा पर सेट किया जाना चाहिए। फ्रिज का दरवाज़ा बार बार ना खोलें। जब आप फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो ठंडी हवा बाहर की तरफ निकल जाती है और इससे जो बाहर की गर्मी है वो रेफ्रिजरेटर में प्रवेश करती है और यह आंतरिक भाग के तापमान को प्रभावित करती है, क्योंकि अंदर जो बाहर की गर्मी होगी वो अंदर आ जाती है, जिससे कि इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है। रेफ्रिजरेटर के आदर्श स्तर पर वापस लाने के लिए उसको फिर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप बार बार दरवाज़ा खोलते हैं तो फ्रिज को स्वाभाविक रूप से कड़ी मेहनत करनी होगी और उसको टेम्परेचर को फिर से लो करने में बिजली की खपत होगी। खाद्य पदार्थों को अंदर रखने से पहले उन्हें ठंडा होने दें। फ्रिज में सामान तभी रखें जब पहले कोई भी जो भी मटेरियल है उसको पहले ठंडा होने दें, गर्म मत रखें। गर्म खाद्य पदार्थ गर्मी की अधिक मात्रा का उत्सर्जन करते हैं, जिससे रेफ्रिजरेटर के अंदर हवा का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए सामान्य स्थिति में आने के लिए रेफ्रिजरेटर को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरे, जब आप रेफ्रिजरेटर के अंदर गर्म खाद्य पदार्थ रखते हैं तो यह खाद्य पदार्थ पसीने से तर होते हैं और उनका स्वाद प्रभावित होता है, इसलिए इन्हें फ्रिज में रखने से पहले कमरे के तापमान पर ठंडा करना बेहतर होता है। फ्रिज को भरा रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा फ्रिज खाली की तुलना में ठंडे को बेहतर बनाए रखेगा अगर फ्रिज हमारा भरा होगा तो। लेकिन रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर को ओवरफिल मत करें, इतना भी लोड मत कर दें कि जो है उसमें प्रॉब्लम हुई। यह रेफ्रिजरेटर के अंदर हवा के संचालन में हस्तक्षेप कर सकता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर दिए गए ऊर्जा सेवर स्विच का उपयोग करें। अधिकांश रेफ्रिजरेटर ऊर्जा सेवर स्विच से सुसज्जित हैं। इस मोड का उपयोग करके रेफ्रिजरेटर को इष्टतम सेटिंग करने में सक्षम बनाता है। रेफ्रिजरेंट गैस्केट की जांच करें। जो गैस्केट जो है उसके गेट पे लगी होती है और जिससे कि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन बना रहे और बाहर की हीट उसमें अंदर ना जा सके। तो रेफ्रिजरेटर के दरवाजों पर रबर ट्यूब होती है जिसे गास्केट के नाम से जाना जाता है और यह दरवाजों को एयर टाइट रखती है तथा हवा के आदान प्रदान की अनुमति नहीं देती है। तो अगर गास्केट प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है तो उसको हम चेक कैसे करेंगे। माना कि हमने कोई एक पेपर लिया और वो पेपर जब हम उसको यूज करते हैं, अगर वो पेपर आसानी से निकल रहा है, इसका मतलब है कि जो गास्केट है वो हमारी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, इसलिए हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। डिफ्रॉस्ट नियमित रूप से। यदि आपके पास एक एकल दरवाजा मैनुअल डीफ्रीजिंग रेफ्रिजरेटर है तो आपको नियमित अंतराल पर रेफ्रिजरेटर को डिफ्रॉस्ट करना है। फ्रीजर और बर्फ का संचय क्रिया के प्रदर्शन को काफी हद तक प्रभावित करता है। जो बर्फ है उसको हमें चेंज करना होगा। एनर्जी स्टार योग रेफ्रिजरेटर मॉडल खरीदें। तो जो BEE है, BEE के अकॉर्डिंग के अनुसार उसने स्टार रेटिंग बनाई है, तो जिनके स्टार रेटिंग ज़्यादा है तो उस उपकरण को हम खरीदें जो बिजली का कंजम्पशन कम करेंगे, और जिसकी स्टार रेटिंग कम है तो वो बिजली का खपत ज़्यादा करेगा। तो हम ज़्यादा स्टार वाले रेटिंग फ्रिज को खरीदें जिससे कि हमारा एनर्जी सेव हो और इससे हमारे बिजली का बिल कम आए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, एनर्जी सेविंग
टिप्स फॉर रेफ्रिजरेटर और आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।